शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खातमुन नबियीन। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव जुनेदी ग्रुप हाफिज़ मोहम्मद सरवर सरवर्दी आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली मरतबा पार्टिसिपेट किया है इस PTM एग्जीबिशन में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। आगे अच्छा सर, थोड़ा सा सर अपनी कंपनी के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी जो है किन किन प्रोडक्ट में डील कर रही है? मिसाल के तौर पे टूरिज्म में कर रही है, टिकटिंग में कर रही है, हज उमरा ग्रुप में कर रही है, थोड़ा सा उसकी ये हमारी कंपनी जुनेदी ग्रुप जो है वो उमरा हज में हम लोग स्पेशलाइज, अल्लाह की मेहरबानी से उमरा और हज में हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है। और पिछले तकरीबन 15 साल से हम उमरे का काम कर रहे हैं और तकरीबन 10 साल से हमारा हज का काम भी है और हज भी उमरा भी हम एग्जीक्यूटिव पैकेजेस करते हैं सारे। और इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्स हों, लोकल टूर्स हों, ये सारे भी हमारे पास हैं। और इसके अलावा हमारे ज़ियारात के पैकेजेस भी बहुत हैं, बगदाद शरीफ, करबला, नजफ अशरफ यानी ईरान, और यहाँ भी शाम वगैरह ज़ियारात के हमारे भी टूर होते हैं। और इस वक्त जो हम इस PTM में आए हैं वो एक नई अपनी प्रोडक्ट लेके आए हैं, वो है हमारी एक JunediOnline.com के नाम से एक वेबसाइट हमने बनाई है, जिसमें हमारे कस्टमर के लिए ये बड़ी आसानी होगी कि वो एनी टाइम वो हमारे वेबसाइट पे जाके जिस किस्म की भी बुकिंग, जैसा भी टूर वो चाहते हैं, टिकटिंग हो या टूर हो या इंटरनेशनल या नेशनल होटलिंग करनी हो उनको, वो हमारी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी वेबसाइट इस एग्जीबिशन में हमने उसको लॉन्च किया है और इंशाल्लाह ये विद इन 15 डेज़ जो है पब्लिक के पास होगी, लाइव होगी इंशाल्लाह। और इसमें हमने रिवार्ड्स के भी सिस्टम रखा है कि यानी हमने अपने कस्टमर्स के लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक अट्रैक्शन के लिए हमने रिवार्ड्स का भी उसके साथ लिंक रखा है कस्टमर्स के, यानी जिस तरह से गोल्ड कार्ड, गोल्ड मेंबर, सिल्वर मेंबर, इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया है पूरा। और ये हमारी एक नई प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हमने इस PTM में एग्जिबिट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हज उमरा के हवाले से भी आपने बताया, तो हज उमरा में कुछ गवर्नमेंट की, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उसकी फ़ीस वगैरह थी 2000 रियाल वगैरह के हवाले से ना, तो मेरे ख्याल में आप गवर्नमेंट ने कुछ वेव कर दिया, सऊदी गवर्नमेंट ने उसको, इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की थी, तो उस हवाले से ज़रा बताएंगे कि अब क्या पोजिशन है और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे कस्टमर को? जी बिल्कुल, ये 2000 रियाल जो रिपीट कस्टमर पे थे ये जो ख़त्म हुए, बहुत ज़्यादा ये खुशाइन बात है। और यानी पिछले कई सालों से इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये सऊदी गवर्नमेंट ने इस मरतबा ये जो किया है, हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और यकीनन ये 2000 रियाल की वजह से हमारे जैसे मुल्क में पब्लिक कम जा रही थी, और पब्लिक जा भी रही थी तो मजबूर होकर, ये 2000 रियाल कोई भी खुशी से नहीं दे रहा था, और उम्र हज का काम है और इसमें मजबूरी में पैसे देना वो बड़ा एक मसला था हमारे लिए। लेकिन ये 2000 रियाल जो सऊदी गवर्नमेंट ने कम किए, इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और अच्छा लोग अब ज़्यादा और ज़ौक शौक के साथ जो है वो आसानी के साथ लोग उम्र और हज करेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग कह रहे हैं जो इसमें तो कुछ लिमिट रखी है गवर्नमेंट ने, पता नहीं साल की 2 साल की, तो उसके दौरान आपको जो है ये फ़ी है, अगर उसे वो होते हैं फिर ये मतलब आपको देनी पड़ेगी, क्या इसका थोड़ा बताएंगे? नहीं, अभी तो ये फ़िलहाल तो जो पॉलिसी है 2000 रियाल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अच्छा। यानी चाहे 2 साल हो चाहे 5 साल हो, अच्छा। आप साल में कई बार भी जाना चाहो आपको 2000 रियाल नहीं लगेंगे। हाँ, और वो जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उमरा के हवाले से, वो जो आपने सुना होगा यकीनन कि उमरा में वो पोर्टल बना दिया है इन्होंने आपको होटलिंग करनी, तो ये पहले से रूल था, ये इन्होंने बस एक वेबसाइट, एक पोर्टल बना दिया है, जिसको भी दुनिया भर से उमरे पर जाना है तो वो उस वेबसाइट से अपनी होटल और ट्रांसपोर्ट बुक करेगा और उसके थ्रू वीज़ा अप्लाई करेगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये पहले भी था, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, पिछले कई सालों से सऊदी गवर्नमेंट का ये सिस्टम है। तो अब इंशाल्लाह अभी भी ये वेबसाइट इनकी पूरी अपडेट नहीं है, सारी होटल्स अपडेट नहीं है, जिस दिन ये सब अपडेट हो जाएगा उस दिन ये काम और मज़ीद बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी टिकटिंग के हवाले से और डॉलर वेरिएशन की वजह से हमारे रेट काफ़ी हाई हो गए हैं, देखें कि जितना हमारा लोकल लग रहा है उतने में हम आप दुबई से होके आ सकते हैं, इतना क्या मतलब फेयर हो गया है, उस हवाले से ज़रा बताएंगे अभी क्या इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है डॉलर वेरिएशन की वजह से, या जो अभी जो टिकट के जो फेयर ज़्यादा हो गए उस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि हमारे डॉलर की वजह से जिस तरीके से हर फील्ड मुतासर हुई, इस तरह से हमारी फील्ड भी बहुत मुतासर हुई है। लोग जो है जो टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस सीज़न में यानी मुहर्रम सफ़र के महीने में हम इतने महंगे टिकट्स बनाएंगे। ये फेयर ऑलमोस्ट हज के टाइम पे तो हुआ करते थे या रमज़ान के उरूज वाले सीज़न पे तो हुआ करते थे, लेकिन हम मुहर्रम सफ़र में हमने 75, 76 ये यानी बिटवीन 70-80 हमने टिकट्स बनाए,
ये बहुत बड़ा मसला है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ज़ाहिर है हर फील्ड मुतासर है डॉलर के वेरिएशन की वजह से, तो हम भी मुतासर हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि इस मामले को देखें किस तरीके से ये मामला बेहतर हो सकता है। लोग इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हैं। टूरिज़म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी आप देखें कि हर फील्ड में कंपटीटर होते हैं, आपकी फील्ड में भी काफ़ी कंपटीटर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उसमें अभी टूरिज़म के हवाले से अभी क्या आप देख रहे हैं? काफ़ी मेरे ख्याल में टूरिज़म काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान में और लोगों में शोर आया है, अब लोग काफ़ी टूरिज़म की तरफ जा रहे हैं, तो अभी क्या टूरिज़म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें ये हम किस तरह लाई जा सकती है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो लोकल टूरिज़म को यानी और मज़ीद उभारना और मज़ीद जो पब्लिक को लोकल टूरिज़म की तरफ राग़िब करना, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, हमारे जो मिनिस्टर हैं टूरिज़म के, उनकी जो पॉलिसी है मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और ये गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इस पर इंशाल्लाह और मज़ीद अच्छे तरीके से काम करें, क्योंकि अल्लाह ने हमारे बड़े नेमतों से नवाजा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो ये काम कर रही है, इसकी वजह से हमारे जो फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, जो पिछले कई सालों से आना छोड़ चुके थे, और ये यकीन करें इंशाल्लाह अगर ये काम होता है तो हम भी दुनिया के उन चंद ममालिक में आ जाएंगे जहाँ पे लोग टूरिस्ट हजरात बहुत ज़्यादा आते हैं। सर, आपके सेक्टर के हवाले से कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मसाइल हो उसको हाईलाइट करना चाहेंगे, गवर्नमेंट से आपकी कोई डिमांड हो उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो ये इनका जो टूरिज़म का प्रोग्राम है इसको मज़ीद तेज़ी से इसको और बिल्डअप करें, और दूसरा ये कि लोकल कैरियर के बारे में भी सोचें। देखें दुबई किधर से किधर पहुंच गया जब एमिरेट्स एयरलाइन ने तरक्की की, तो इस तरीके से कई मिसालें मिलती हैं। आपका टूरिज़्म बहुत बढ़ जाएगा अगर आप जो है अपनी लोकल एयरलाइंस पर तवज्जो दें। पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंटेड स्टाफ है, लेकिन बस जो PIA, मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मालूम है कि PIA की वो पोजीशन नहीं है जो इंटरनेशनल एयरलाइंस की है, तो अगर आप अपने लोकल कैरियर पे तवज्जो देंगे तो हमारा टूरिज़्म और बढ़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारा लोकल कैरियर हमारी सबसे लास्ट चॉइस होती है, हम पहले दूसरे कैरियर्स पे जाते हैं फिर अपने इसको देखते हैं लोकल कैरियर को, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा लोकल कैरियर इतना अच्छा हो कि हम सबसे पहले उसको देखें, और अगर उसके पास नहीं है अवेलेबिलिटी तो हम दूसरी जगह पे जाएं। आप दुनिया भर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जाएं, वहाँ पर उनके अपने ही कैरियर्स नज़र आते हैं, जहाज़ उन्हीं के खड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या पोजिशन है आप देख सकते हैं। तो लोकल कैरियर को हमें अगर पाकिस्तान के टूरिज़म को बढ़ाना है तो लोकल कैरियर की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। थोड़ा सा ज़रा जुनेद ग्रुप के हवाले से बताइए, ये कब से एस्टेब्लिश हुआ, कैसे इस फील्ड में आप इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं? जी मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ जुनेदी ग्रुप का, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2005 से हम इस पे काम कर रहे हैं। जुनेदी ग्रुप 2005 से रजिस्टर्ड है, और 2005 से मुख्तलिफ आहिस्ता आहिस्ता हमने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम किया। सबसे पहले हमने डोमेस्टिक इंटरनेशनल टिकट से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर उमरा, हमारा उमरे का अपना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है इलाफ ट्रैवल्स के साथ, इलाफ हमारा पार्टनर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा खासा लोगों को जो है ना अच्छी तादाद में लोगों को उमरे पर भेजते हैं पूरा साल। और 2011 से हमें हज कोटा भी मिल गया, अल्लाह की मेहरबानी से हमारा हज का काम भी एग्जीक्यूटिव लेवल पर है, बाकी ज्यारतों का काम हो, इंटरनेशनल नेशनल डोमेस्टिक टिकट्स और इंटरनेशनल टिकट्स इंटरनेशनल वीज़ा, ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ। In a vision of the future, I saw in a